नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस प्यारे से वीडियो में। और आप देख रहे हैं देवेंद्र भज्जू यादव यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम सामाजिक मुद्दों पर वीडियो लाते रहते हैं और इतिहास पर भी वीडियो लाते रहते हैं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राजवंश के बारे में जिसके शासनकाल में संपूर्ण भारत को यानी अखंड भारत को स्वर्णयुग कहा गया। चलते हैं, बात शुरू करते हैं। आर्यवर्त का स्वर्णयुग यानी गुप्त अहिर राजवंश। कलयुग के महानतम आर्य राजशक्ति गुप्त अहिर राजवंश के सम्राटों की, जिन्होंने चीन से आए नीच असभ्य हूणों को मार खदेड़ा। कलिंग से लेकर कंधार तक आर्य सभ्यता और सनातन धर्म की ध्वजा को बुलंद किया। गुप्त साम्राज्य जो प्राचीन भारत में सबसे प्रमुख और विशालतम राजवंशों में से एक हुआ करता था, इसकी आधारशिला भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वंश में जन्मे अभीर राजा घटोत्कच के वीरपुत्र श्री गुप्त ने आज के उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मगध प्रांत में रखी थी, वो भी 30वीं शताब्दी में। अब साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में इस अवधि का योगदान आज भी सम्मान पूर्वक स्मरण किया जाता है। कालिदास इसी युग की देन है। अमरकोश, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति तथा अनेक पुराणों का वर्तमान रूप इसी काल की उपलब्धि है। महान कर्तज्ञ आर्यभट्ट तथा वाराहमिहिर गुप्त काल के ही उज्ज्वल नक्षत्र हैं। दशमलव प्रणाली का आविष्कार तथा वस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और कहा जाता धातु विज्ञान के क्षेत्र की उपलब्धियों पर आज भी लोगों का आनंद और ऐश्वर्य होता है। अब हम बात करते हैं गुप्त राजवंश की उत्पत्ति के बारे में। तो शिलालेख आदि से प्राप्त प्रमाणों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंश की उत्पत्ति नेपाल के प्राचीन जो प्राचीन के अभीर गुप्त राजवंश थे यानी गोपाल राजवंश थे, उनसे हुई थी। इतिहासकार एम्स चट्टोपाध्याय ने पंचोव ताम्रपत्र हवाले से कहा कि गुप्त राजा क्षत्रिय थे तथा उनका उद्भव प्राचीन अभीर गुप्त यादवों से हुआ था। गोब एवं गो शब्द से ही गुप्त शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऐसा एम्स चट्टोपाध्याय जी कहते हैं। इतिहासकारों ने गुप्त अभीर राज साम्राज्य को एक मौर्य साम्राज्य के शासकों से भी महान बताया। इसका कारण शायद गुप्त सम्राटों का वैदिक क्षत्रिय वंश अहिर यादव से जुड़ा होना है, जिसके कारण इसमें मजबूत नेतृत्व क्षमता, वैदिक सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना। वहीं दूसरी तरफ मौर्य वंश की उत्पत्ति को लेकर यह धारणा है कि चूंकि ये सभ्यता कुलीन वंश से नहीं थे, इसीलिए इनमें सनातन धर्म के प्रति जो जज्बा होता है वो नहीं था। अब गुप्त राजवंश में एक से बढ़कर एक मजबूत महान सम्राट हुए। हम बात करेंगे प्रमुख दो शासकों की, जिनमें सम्राट समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य। अब सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उनका तथा कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त का जन्म लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से हुआ था और संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया जाता है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य, समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण विंध्य पर्वत तथा पूर्व बंगाल की खाड़ी से पश्चिम की पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी राजपूतना, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित थे। दक्षिणापत के शासक तथा पश्चिम उत्तर भारत की विदेशी शक्तियां उसकी अधीनता स्वीकार करती थीं। समुद्रगुप्त के काल में सदियों के राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा विदेशी शक्तियों का आधिपत्य के बाद आर्यभट्ट पुनः नैतिक, बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति की चोटी पर पहुंच चुका था। सम्राट समुद्रगुप्त जब वृद्ध हो चले थे तब उनके पौत्र स्कंदगुप्त राजगद्दी पर विराजमान हुए। समुद्रगुप्त उनके सजातीय और बलिया के जंगबाज यदुवंशी सूरमा, भवानी, अनन्य भक्त वीर लोरिक देव के करीबी मित्र थे। हाँ जी साथियों, वीर लोरिक देव के करीबी मित्र साथी थे। वृद्ध अवस्था में उन्होंने वीर लोरिक को उनके पौत्र स्कंदगुप्त की सेना का प्रतिनिधि यानी प्रतिनिधित्व का जिम्मा सौंपा था, क्योंकि उसी दौरान असभ्य अनार्य हूणों का आक्रमण हुआ था।
बी लोरेग ने सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए नीचुओं को मारते हुए अफगानिस्तान तक खदेड़ा तथा आर्यभट्ट की सीमा के बाहर भगाया था। यह घटना आधुनिक आर्यभट्ट सबसे सुनहरी जंग इतिहासों में से एक है, क्योंकि नीचुओं ने रोम जैसे साम्राज्य जला दिए थे। सम्राट विक्रमादित्य उर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय, अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त की प्रधान महिषी दत्त देवी से हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास की प्रसिद्ध हुआ। उसने 375 से 415 ईस्वी तक 40 वर्ष तक शासन किया। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल की, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली राज बना और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विस्तार हुआ। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देव, देवगुप्त, देवराज, देवर्षि आदि हैं। उसने विक्रियांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की। उसने नागवंश, बकाटक और कदंब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिसमें एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। बकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। उसने ऐसा संभवतः इसलिए किया कि शकों पर आक्रमण करने के पहले दक्कन में उसको समर्थन हासिल हो जाए। उससे प्रभावित गुप्त के सहयोग से गुजरात और कठियावाड़ा की विजय प्राप्त की और बकाटकों और गुप्तों की सम्मति के साथ शक्ति में शकों का उन्मूलन किया। कदम राजवंश का शासन कुंतल यानी कर्नाटक में था। चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदंब वंश में हुआ था। शक उस समय गुजरात तथा मालवा के प्रदेशों पर राज कर रहे थे। शकों पर विजय के बाद उसका साम्राज्य न केवल मजबूत बल्कि उसका पश्चिमी समुद्र पतनों पर अधिपत्य भी हुआ। इस विजय के पश्चात उज्जैनगुप्त साम्राज्य की राजधानी बना। जो उज्जैनगुप्त है यानी तो वो साम्राज्य की राजधानी बना। विद्वानों को इस संदेह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय तथा विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति थे। उसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फरिहान ने 399 ईस्वी में से लेकर 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। उसने भारत का वर्णन एक सुखी एवं समृद्ध देश के रूप में किया और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग भी उसी ने कहा। चंद्रगुप्त एक महान प्रतापी सम्राट था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और शकों पर विजय भी प्राप्त की। शकों पर विजय पश्चिम में शक क्षत्रप शक्तिशाली साम्राज्य था। ये गुप्त राजाओं को हमेशा परेशान करते थे। शक गुजरात के कठियावाड़ तथा पश्चिमी मालवा पर राज करते थे। 389 से लेकर 412 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। वाहिक विजय। महाशैली स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु के 5 मुखों पर को पार कर वाहिकों पर विजय प्राप्त की थी। वाहिकों का समीकरण कुषाणों से किया गया है। पंजाब का वह भाग जो व्यास का निकटवर्ती भाग है। बंगाल विजय। महाशैली स्तंभ लेख के अनुसार यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल के शासकों के संघ को परास्त किया। गणराज्यों पर विजय। इन्होंने गणराज्यों पर विजय किस प्रकार की। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक गणराज्यों द्वारा चंद्रगुप्त की मृत्यु की पश्चात अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी गई। परिणामतः चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इन गणराज्यों को पुनः विजित कर गुप्त साम्राज्य में विलीन कर लिया गया। अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में हिमालय की तप घाटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रधान राजधानी पाटलिपुत्र, द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी।
चंद्रगुप्त के शासनकाल में उज्जैनी, पाटलिपुत्र और अयोध्या नगरों की बहुत उन्नति हुई। इस समय में विद्या और ललित कलाओं की बहुत प्रगति हुई। तत्कालीन साहित्य एवं कलाकृतियों से इसका पता चलता है। गुप्तों के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। महाकवि कालिदास जैसे प्रतिभा संपन्न कवि और लेखक इसी काल में हुए, जिनकी रचनाएं भारतीय साहित्य में आज भी अमर हैं। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन माने जाते हैं और रघुवंश में कालीन कालिदास ने सूरसेन जनपद के अंतर्गत मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और यमुना का वर्णन किया है। इंदुमती के स्वयंवर में अनेक राज्यों से राजा आए हुए थे और साथ में उन्होंने सूरसेन जनपद के राजा सुसेन का भी वर्णन किया है। रघुवंश सर्ग 645 से लेकर 651 मगध, अंशु, अवंती, अनूप, कलिंग और अयोध्या के महान राजाओं के बीच सूरसेन नरेश का वर्णन किया है। कालिदास का विश्लेषण, जिसका प्रयोग राजा सुसेन के लिए किया गया है, उससे ज्ञात होता है कि वह वीर और प्रतापी शासक राजा था, जिसका गुणगान स्वर के देवता भी करते थे, जिसने अपने विशुद्ध व्यवहार और आचरण से माता पिता के वंशों को भी रोशन किया। गुप्त साम्राज्य ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया और इसके शासन में ही पहली बार विशुद्ध चांदी के सिक्के भी चलाए गए। लेकिन इस राजवंश के समय ही भारत में पहली बार सती प्रथा, ज्वार प्रथा आदि की शुरुआत मानी जाती है। इसका जिक्र शिलालेखों से मिलता है, जब इस राजवंश को एक यदुवंशी क्षत्रप योद्धा ने युद्ध में शहीद हुए तब उनकी रानियों ने अग्नि स्नान किया, अर्थात सती हुई थी। जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो। और एक बात बताना चाह रहे हैं, जितने भी फेसबुक पेज के साथी हैं, अगर ये वीडियो आप लोग चाहते हो कि सबसे पहले मिले तो मेरी यूट्यूब चैनल देवेंद्र भज्जू यादव को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए।